हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल की। भाई केएल राहुल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो बहुत ही शानदार पारी खेली, शतक उन्होंने लगाया और एक ही सीजन एक ही टीम के खिलाफ दो शतक केएल राहुल के बल्ले से। अब ये कारनामा इससे पहले किया था विराट कोहली ने, एक ही टीम के खिलाफ उन्होंने दो शतक जड़ दिए और वो टीम थी गुजरात लायंस। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो दोनों मुकाबले खेले दोनों मुकाबले उन्होंने शतक बनाया, तो ये तो बहुत अच्छी बात रही कि केएल राहुल ने विराट कोहली के एक ही सीजन में एक ही टीम के खिलाफ दो शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी करी और रिकॉर्ड बना लिया। बट दूसरी तरफ एक और अच्छी बात रही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि उन्होंने मुंबई इंडियंस को मात दी और मुंबई इंडियंस को इस सीजन की आठवीं हार का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी हार रही मुंबई इंडियंस के लिए, कोई बल्लेबाज उतना नहीं चल पाया। रोहित शर्मा ने 39 रन जरूर बनाए लेकिन वॉज नॉट इनफ। तिलक वर्मा ने भी थोड़ा संघर्ष किया लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम थी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और एक और हार का सामना करना पड़ा, तो मुंबई इंडियंस के लिए बैक हो गए एंड वांटेड स्टेडियम में भी उनकी किस्मत नहीं खुल पाई, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अवेश खान नहीं थे, मोहसिन खान को उन्होंने इस मुकाबले में चांस दिया था। खैर दोस्तों, केएल राहुल की बैटिंग बड़ी शानदार रही, इस सीजन बड़ी अच्छी उनकी बैटिंग चल रही, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। बट केएल राहुल पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, एक बहुत बड़ा झटका है लखनऊ सुपर जायंट्स को। 24 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगा ये मैं आपको बता देता हूँ। स्लो ओवर रेट की वजह से लोकेश राहुल पर जो है वो 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा। स्लो ओवर रेट मतलब एक निर्धारित समय होता है जब आपको 20 ओवर कराने होते हैं टी20 मैच, वो 20 ओवर उन्होंने इस निर्धारित समय में पूरे करवाए नहीं, इसलिए उनके ऊपर लग गया जुर्माना 24 लाख रुपए का, क्योंकि सेकंड ओवरेंस था। फर्स्ट ओवरेंस में 12 लाख, दूसरे में 24 लाख रुपए। और अगर केएल राहुल को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब किसी और मैच में उनसे स्लो ओवर रेट हो जाता है यार, वो निर्धारित समय में 20 ओवर नहीं फेंकवा पाते तो फिर उनके 30 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और ये भी हो सकता है कि कोई मैच में बैन भी कर दिया जाए, तो केएल राहुल को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो बाकी की जो टीममेट्स हैं उनके भी 6 लाख रुपए का जुर्माना उनको लगेगा या 25% मैच फीस जो है वो उनकी काट ली जाएगी। तो ये इस मैच का मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड मैच स्लो ओवर रेट हुआ है 25 लाख रुपए, 25% मैच के से 6 लाख रुपए जो है उनके काट ली जाएगी। बहुत बड़ा ये एक लखनऊ सुपर जायंट्स में कह सकते हैं कि झटका है, लेकिन हाँ केएल राहुल का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि ऐसा स्लो ओवर रेट है आगे आने वाले मैचेस में ना हो, वरना उनकी टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कप्तान नहीं होगा टीम के साथ तो फिर टीम जो है अपना चैलेंज कैसे रख पाएंगे। कैप्टन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नॉट ओनली एज ए कैप्टन, बट केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स में चाहिए एज अ ओपनर, एज अ इनफॉर्म बैट्समैन, क्योंकि वो टीम के लिए बहुत रन बना रहे हैं। और हमने देखा मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में जहां पर भी केएल राहुल आउट हो गए वहां पे टीम जो थी भरभरा कर गई और ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। टीम लग रहा था कि अगर केएल राहुल है तो बहुत ऊपर तक जा सकती है, बट उनकी पार्टनरशिप नहीं हो पाई किसी के साथ, तो केएल राहुल को बहुत सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। 24 लाख रुपए का उनके जुर्माना लग गया है, अगर एक मैच में और स्लो ओवर रेट हुआ केएल राहुल का एक मैच का बैन भी है। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।